नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं जी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज करेंगे प्रदेश के सदस्यता अभियान की समीक्षा। जेपी नड्डा आज शाम 7 बजे दिल्ली से वर्चुअल बैठक लेंगे। भाजपा प्रदेश पदाधिकारी, सांसद, पूर्व सांसद, विधायक, पूर्व विधायक, प्रत्याशी सदस्यता अभियान के जिला संयोजक अपनी अपनी जगह से वर्चुअल बैठक से जुड़ेंगे। तो वही जेपी नड्डा प्रदेश में चल रहे सदस्यता अभियान की प्रगति को लेकर चर्चा करेंगे और इससे पहले बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष समीक्षा बैठक ले चुके हैं। तो आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा प्रदेश के सदस्यता अभियान की समीक्षा लेंगे और आपको बता दें कि समीक्षा करेंगे। जेपी नड्डा आज शाम 7 बजे दिल्ली से ही वर्चुअल बैठक लेंगे। भाजपा प्रदेश पदाधिकारी, सांसद, पूर्व सांसद, विधायक, प्रत्याशी सदस्यता अभियान के जिला संयोजक अपनी अपनी जगह से ही वर्चुअल बैठक से जुड़ने वाले हैं। तो इसको लेकर जेपी नड्डा प्रदेश में चल रहे सदस्यता अभियान की प्रगति को लेकर चर्चा करेंगे। तो इससे पहले बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष समीक्षा बैठक ले चुके हैं। तो बीजेपी का सदस्यता अभियान, जेपी नड्डा समीक्षा बैठक लेंगे आज शाम 7 बजे वर्चुअल दिल्ली से ही। सभी के साथ जुड़ेंगे, प्रदेश पदाधिकारी समेत सभी नेता मौजूद रहेंगे। तो बीजेपी का सदस्यता अभियान आपको बता दें कि इस बैठक में हमारे सहयोगी विष्णु शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सीधा विष्णु से जानकारी लेंगे। विष्णु, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज प्रदेश के सदस्यता अभियान की समीक्षा करने वाले हैं, क्या कुछ रहेगा, किस तरीके से ये बैठक होगी? दरअसल बीजेपी ने 125 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य लिया है। 15 अक्टूबर तक ये सदस्य बनाए जाने हैं। जी, बीजेपी की जो गति है सदस्यता बनाने की, वो अभी कार्यकर्ताओं की एक धीमी गति थी और इसको लेकर बीएल संतोष आए थे समीक्षा करने पिछले दिनों। उन्होंने नाराजगी भी जाहिर की थी, हालांकि उसके बाद बीजेपी प्रदेश बीजेपी की ओर से सदस्यता अभियान को गति दी गई और अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस अभियान की समीक्षा करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहले 5 अक्टूबर को जयपुर आने थे और जयपुर आकर वो यहाँ कार्यकर्ताओं की बैठक लेने वाले थे, लेकिन अति व्यस्तता के कारण अब वो वर्चुअली बैठक लेंगे और नई दिल्ली से सभी लोग वर्चुअली इस बैठक से जुड़ेंगे। आज शाम को 7 बजे ये बैठक होगी। बैठक में पूर्व विधायक, सांसद, महापौर, जो भी बीजेपी के महापौर हैं या जिला प्रमुख है, इसके अलावा सांसद, पूर्व सांसद, तमाम जो जनप्रतिनिधि है उनके साथ ही बीजेपी पदाधिकारी भी इस बैठक से जुड़ेंगे। अब जेपी नड्डा समीक्षा करेंगे, उस दौरान देखेंगे कि कहां कितनी तेजी से सदस्यता अभियान हुआ, लक्ष्य के कितने नजदीक पहुंचे हैं, क्योंकि 15 अक्टूबर आने वाली है तो उससे पहले उनको पूरा 125 करोड़ लक्ष्य का जो टारगेट है वो पूरा करना है। लेकिन फिलहाल जब 20 सितंबर को राष्ट्रीय संगठन महामंत्री आए थे तब करीब 20% सदस्यता हो पाई थी इस लक्ष्य की, तो ऐसे में 23 लाख के आसपास सदस्य हो पाए थे, तो अब वो बढ़कर अगर 50 लाख भी हो गए तो भी अभी बहुत गेप बाकी है, क्योंकि मैच 10 दिन बचे हैं, तो 10 दिन में कितना टारगेट बीजेपी जो कार्यकर्ता वो यहाँ अचीव कर पाएंगे, क्योंकि जो ये तीसरा चरण है उसमें सक्रिय सदस्य होंगे और दूसरे चरण में यहाँ जो सामूहिक रूप से यानी कॉलेज इंस्टीट्यूशन यहाँ सदस्यता कराने का शुरू किया गया था। आज 5 दिन हो चुके हैं, अब वो सामूहिक सदस्य वाला कार्यक्रम हुआ नहीं हुआ इसको लेकर भी जेपी नड्डा बात करेंगे, साथ ही कुछ मंत्र देंगे किस तरह से सदस्यता बढ़ाई जा सकती है, उस बात को लेकर भी कैसे काम किया जा सकता है, वो उन तमाम बातों को लेकर जेपी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वो आज यहाँ राजस्थान के पदाधिकारी से बात करने वाले हैं। जी,
ठीक है विष्णु, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आपसे और भी अपडेट लेंगे। तो देखिए आज जेपी नड्डा समीक्षा बैठक लेने वाले हैं, वर्चुअली सबसे जुड़ेंगे भी दिल्ली से ही, और सभी नेता इस दरमियान मौजूद रहेंगे, वर्चुअली सभी के साथ जुड़ेंगे। तो बीजेपी का ये सदस्यता अभियान है जिसको लेकर आज शाम 7 बजे वर्चुअली समीक्षा बैठक होगी, और इस बैठक को जेपी नड्डा लेने वाले हैं, सभी नेता उनके साथ जुड़ेंगे।